गर्म पानी किया खट्टा, फिर भी कब्जे वहीं अटका। योगा किया मैंने दाएं बाएं, फिर भी प्रेशर ना आए। ये सब खा खा के मुंह थक जाए, पर प्रेशर आने से कतराए। क्या हुआ, प्रेशर नहीं आता? तो इसका प्रेशर आप मत लो, कायम चून लो। इसके प्राकृतिक तत्व से आपको कब्ज, राहत एक ही रात में। ये है कायम चूरन का कमाल। देखो, हो गया मैं खुशहाल। कायम चूरन आपकी खुशियों का साथ। मैं अपने काम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बात तो प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हम, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। बेहाल आवाम, बेरोजगार नौजवान, मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमैटोग्राफी, मधुसूदन दही, USC milk and salt. मुख्यमंत्री ने की कुंज जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से बैठक। उनसे विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मिले उमर अब्दुल्ला। जिले के लोगों को पेश आ रही समस्याओं का लिया जाएगा। आतंकी घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए की कार्रवाई। एनआईए ने जम्मू संभाग के 8 जगहों पर की छापेमारी। रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़ में मारे छापे। ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ के लिए तेज हुआ अभियान। काम पर वापस लौटे काम छोड़ हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी। स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों ने शुरू किया काम। सांबा के बाजारों की शुरू हुई सफाई, लोगों में दिखी राहत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ के पहले दौरे पर हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पुंछ में जिला प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोगों को पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेने के साथ साथ विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। इस बैठक में उनके साथ पुंछ की सभी विधानसभाओं के जो विधायक है वो भी मौजूद थे। तो आपको बता दें कि लगातार सरकार बनने के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर को काफी समय के बाद एक चुनी हुई सरकार मिली है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। अब अगर विधायकों की बात की जाए, विधायकों के साथ साथ जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, वो भी लगातार एक्शन में आ चुके हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सीएम है उमर अब्दुल्ला वो आज पुंछ पहुंचे हैं और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और पुंछ के जो विधायक हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो इस हवाले से जानकारी देने के लिए और अपडेट करने के लिए जमशेद मलिक हमारे साथ पुंछ से ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ शेड्यूल उनका रहने वाले हैं और किस तरीके से आज प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। तो जमशेद, आपसे जानना चाहूंगी, बताइएगा क्या कुछ टाइम टेबल, क्या कुछ शेड्यूल आज मुख्यमंत्री का रहने वाला है, क्योंकि जब से चुनी हुई सरकार आई है मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा पुंछ का देखा गया। सिपन, बिल्कुल, पहले दौरे के साथ ही एक पहली अहम और बड़ी मीटिंग भी वहां देखने को मिली है, जहां पूरी कैबिनेट के साथ इस वक्त पुंछ के अंदर मौजूद है। चाहे सेक्रेटरी और कहीं कहीं और आला अधिकारी अफसरों के साथ इस वक्त पुंछ के अंदर है, क्योंकि इससे पहले हम जब भी देखते थे कि डिस्ट्रिक्ट प्लान के नाम पर एक मीटिंग होती थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाता था, मगर इस बार एक नई चीज दूर देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले गांधरबल के अंदर सीएम ने इसी तरह की एक मीटिंग की, जहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस तरह की मीटिंग की और वहां के डेवलपमेंट की बात की। इसके बाद आप पुंछ के अंदर इस वक्त ये मीटिंग का दौर इस वक्त भी चल रहा है, जहां पुंछ के हवाले से जहां डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, वहीं और कई चीजें मुद्दे ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले बजट सेशन के लिए जो मीटिंगों का दौर है उसको देखते हुए बजट के लिए ये मीटिंग कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां एक ऐसी मीटिंग हो जिसमें
सीएम खुद और डिप्टी सीएम और पूरी कैबिनेट के साथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की मीटिंगें करें, क्योंकि 9 नवंबर को हमने देखा था गांधरबल के अंदर उनकी इसी तरह की एक मीटिंग हुई थी जहां वहां डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाए गए थे। उसके बाद आज पुंछ के अंदर ये मीटिंग जारी है, अभी ये मीटिंग चल रही है जिसमें 11 बजे के आसपास शुरू हुई थी, अभी भी चल रही है, जिसमें पुंछ को लेकर पुंछ के डेवलपमेंट को लेकर अभी जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं उसको लेकर मीटिंग का दौर इस वक्त लगातार चल रहा है, जहां पूरी कैबिनेट उनके साथ और उसके साथ सेक्रेटरी और सीनियर कई अफसरान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। राज्यपाल जनसीख बताइएगा, जिस तरीके से आपने मीटिंग के हवाले से जानकारी दी है, वहीं पर ये भी खबर है कि कुछ डेलीगेशन भी उनसे मिलने पहुंचे थे, किस तरीके की शिकायतें वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला तक पहुंचाई गई है, कौन सी डेलीगेशन वहां पर उमर अब्दुल्ला से मिलने पहुंची थी? सिपन बिल्कुल, जहां तक अगर पुंछ की बात करें कि सरहदी जिला बॉर्डर का इलाका है, लोगों को कई किस्म की मुश्किल का सामना है, उसको देखते हुए डेल में प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बजट सेशन से पहले पहले इस तरह की मीटिंग को अगर दौर देखने को मिला। उसके बाद जहां तक बात करें मीटिंग के बाद डिफरेंट जो डेपुटेशन है उनसे मिलने जा रहे हैं, जिसमें लाइट का है, अनएम्प्लॉयज का है और दिगर कई ऐसे डेपुटेशन है जो इनसे मिलेंगे, मगर अभी तक मीटिंग का जो दौर है वो चल रहा है, क्योंकि 11 बजे शुरू हुई थी मीटिंग और जिस तरह की मीटिंग चल रही है उसमें हम ये मान के चल सकते हैं 2 से 2:30 बजे तक की मीटिंग का दौर चलेगा, उसके बाद डेपुटेशन है उनसे मुलाकात की जाएगी, और कितने डेपुटेशन है अभी तक ये पूरी तरह साफ नहीं आया, मगर जो चीजें सामने आ रही है 10 से 12 डेपुटेशन ऐसे हैं जिसमें सुरनकोट से भी एक डेपुटेशन है, मैंडर से भी डेपुटेशन है और पुंछ के भी मुख्तलिफ डेपुटेशन से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद आगे की रणनीति का या किन चीजों को लेकर ये चीजें सामने आ रही हैं ये चीजें सामने आएंगी, मगर इस वक्त जो मीटिंग का दौर चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें मिनी सेक्टर का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके साथ पूंछ के बफलियात के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसको लेकर बातें हो रही है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड जो वो भी मुकम्मल हो चुका है मगर उसके बावजूद भी वो कम्प्लीट नहीं हो पाया। दूर दराज पहाड़ी इलाकों में और बाढ़ के इलाकों के लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसमें बिजली पानी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात है, इसमें अगर हम देखें डिप्टी सीएम भी उनके साथ हैं, क्योंकि इस वक्त सड़क की बात करें तो उनके पास हैं ये सारे महकमे, तो उसको देखते हुए भी बातें सामने आ रही हैं, और थोड़ी देर बाद पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि इस मीटिंग का क्या क्या एजेंडा था और क्या क्या चीजें इसमें सामने आई हैं। सिपन जनसीद एक काफी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जब भी नई सरकार बनी थी कुछ बातें उठ रही थी कि कुछ बैरियर्स देखने को मिलेंगे, कश्मीर डिवीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, लेकिन इन सभी बैरियर्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने तोड़ दिया। वो जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने किश्तवाड़ गए, उसके बाद वो जम्मू मेन सिटी का दौरा किया गया, जम्मू में भी प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की गई, और अब वो जम्मू डिवीजन के पुंछ में पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को? जहां तक बैरियर की बात करें, इस सरकार ने बैरियर उस वक्त तोड़ा था जब डिप्टी सीएम का ओहदा राजौरी को दिया गया, खासकर कश्मीर पंजाब को, हिस्ट्री में पहली बार राजौरी पुंछ से किसी को डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया, ये बैरियर उसी दिन टूट गए थे। उसके बाद जहां तक अगर देखें लगातार उनके जो टूट चल रहे हैं, जिस तरह ये मीटिंग इस तरह की दूसरी मीटिंग है सरकार के बनने के बाद, इससे पहले 9 नवंबर को गांधरबल के अंदर इसी तरह की मीटिंग हुई, उसके बाद सीधा पुंछ के अंदर हुई है, और ये भी खबर सामने आ रही है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी तरह मीटिंग की जाएगी जहां पूरी कैबिनेट के साथ ये मीटिंग होगी। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि सरकार की तरफ से लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हर दहलीज तक सरकार खुद पहुंचे, ना कि लोगों को सरकार के पास पहुंचना पड़े, इस तरह के मंसूबे देखने को मिल रहे हैं सरकार के। हालांकि जहां तक बैरियर की बात थी, वो मैंने जैसे बताया कि ये बैरियर उस वक्त तोड़ा गया जब हिस्ट्री में पहली बार राजौरी पुंछ को डिप्टी सीएम का ओहदा मिला, उसके बाद पहली बार तारीख के अंदर 2 कैबिनेट मिनिस्टर राजौरी पुंछ को दिए गए, ये बहुत बड़ी चीजें देखने को मिली है सरकार के बनने के बाद। हालांकि जो चीजें कही जा रही थी उसको हम ये मान के चल सकते हैं वो एक सियासी इशू के तौर पर की जाती है, मगर सरकार की तरफ से जो मंसूबे लग रहे हैं बिल्कुल अलग जैसे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जिस तरह कह रहा हूँ आवाम सरकार तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार आवाम तक अब पहुंच रही है, क्योंकि इस तरह की मीटिंग भी हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिल रही है। सिपन ठीक है, जमशीद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जमशीद मलिक यहाँ पर पुलिस अपडेट कर रहे थे कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो सरकार बनने के बाद पहली बार पुंछ पहुंचे हैं, और अपने आप में काफी अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की गई, विधायक उनके साथ हुए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो स्थानीय विधायक है वो भी साथ है, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी उनके साथ है, और साथ ही साथ कुछ डेलीगेशन से भी मुलाकात की गई है, जो लोगों के बेसिक इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चाएं जो है वो देखने को मिलेंगे, और अब पूरी तस्वीर साफ उस वक्त होगी जब सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ सामने आएगा। अभी तक की तस्वीर ये बता रही है कि लोगों के जो मुद्दे हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, उनको लेकर जो सीएम उमर अब्दुल्ला है उन्होंने इन डेलीगेशन से बातचीत की है, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी साफ तौर से विधायकों को खास तौर पर कहा गया है कि लोगों के हित में काम किया जाए। वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने
आतंकी वारदातों से जुड़े मामले की जांच के लिए जम्मू में 8 अलग अलग जगहों पर छापे मारे हैं। सूत्रों के अनुसार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये कार्रवाई पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े हाल ही में दर्ज एक मामले के सिलसिले में की है। इसके साथ ही जम्मू संभाग में बढ़ रही आतंकी वारदातों को लेकर भी ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर छापे मारे गए। एनआईए ने ये कार्रवाई रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और साथ ही साथ किश्तवाड़ जिलों में की है। हालांकि इन सभी छापों में क्या कुछ निकल कर सामने आया है इस पर एनआईए ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की अगर मानेंगे तो 8 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। 5 जम्मू संभाग के जिलों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें की रियासी है, डोडा है, उधमपुर है, रामबन है और किश्तवाड़ है। हम इन तमाम नामों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम किश्तवाड़ की बात करें और रामबन की बात करें और डोडा की, चुनाव रैली में लगातार आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही है। उधमपुर के बसंतगढ़ में हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर एनकाउंटर हुआ, सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में बदल जाता है, और रियासी में भी एक बस पर हमला हुआ है। तो इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसी जो है कड़ा रुख अपनाते नजर आ रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ, चाहे वो नार्को टेररिज्म है या फिर वो टेररिज्म है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर जो पनाह देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी अब सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। तो हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जाएंगे, किशोर हमारे साथ उधमपुर से है, विकास मनहा सरोदा से और साथ ही साथ अजय शान किश्तवाड़ से हमारे साथ है। सबसे पहले मैं किशोर आपके पास आना चाहूंगी। उधमपुर में हमने देखा किस तरीके से बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन होता है जिसके बाद एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है। अभी फिलहाल अपडेट कीजिएगा कौन सी जगहों पर उधमपुर में छापेमारी की जा रही है। ये जो उधमपुर जिला का जो बसंतगढ़ इलाका है यहाँ पे एनआईए द्वारा बड़ी छापेमारी की गई है। आपको बताते चले कि ये वो बसंतगढ़ का इलाका है जहाँ पे पहले भी इस तरह की गतिविधियां इस इलाके के अंदर जो है वो आंतरिक गतिविधियां देखने को मिली हैं, लेकिन पिछले दिनों भी आपने साफ तौर पर देखा था कि लगातार इस इलाके के अंदर 2.5 महीने जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चला, लेकिन जो एनआईए वहाँ पे उस इलाके के अंदर छापेमारी हुई है मेन उनका उद्देश्य यही है कि जो आतंकवादियों के वहाँ पे ठिकाने हैं उनको किसी ना किसी तरह से जो वहाँ पे नष्ट करना है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से अलग अलग जिलों के अंदर 8 ऐसे जिले हैं यहाँ पे जो है वो एनआईए द्वारा जो है वो छापेमारी की गई है, लेकिन जो बसंतगढ़ का इलाका है इस इलाके के अंदर 3 दिन से जो थी वो आतंकी गतिविधियां इस इलाके के अंदर देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि 2.5 महीने इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चला और जो इनकाउंटर में वो तब्दील हुआ हमारे सीआरपीएफ से जो एक जवान शहीद हुए, लेकिन ये जो आप बसंतगढ़ की मैं बात करूँ, ये जो बसंतगढ़ का इलाका है ये रामबन के साथ साथ जो किश्तवाड़ की पहाड़ियां हैं, गंडोडा की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में ये जो पहाड़ियां मिलती हैं, लेकिन एक बड़ी जो है वो जिस तरह से अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स से सीआरपीएफ की मैं बात करूँ या मैं पुलिस की मैं बात करूँ या एनआईए की मैं बात करूँ तो इस इलाके के अंदर जो है वो एक बड़ी छापेमारी इस इलाके से जो है वो देखने को मिली है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से जो है वो पूछताछ इस इलाके के अंदर जो है वो जितना जारी है। ठीक है किशोर, अजय मैं आपसे जानना चाहूंगी किश्तवाड़ में किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि किश्तवाड़ में कुछ इस तरीके की खबरें पिछले कुछ दिनों में आई हैं जिनका जिसकी वजह से कि सभी का दिल दहला देने वाली खबरें निकल कर सामने, दोविदी भी इसकी किलिंग हुई है और अन्य भी इलाकों में कई अलग अलग एनकाउंटर्स, कई अलग अलग अटैक निकल कर सामने। अभी फिलहाल किस तरीके की छापेमारी और कौन सी जगहों पर किन के घरों में और आवासों में ये छापेमारी देखने को मिल गई? काउंटर्स हुए हैं, 2 वीडियो की हत्या की गई और 3 के करीब जो फौजी थे वो शहीद हुए हैं। ये घटनाएं तब हुई हैं जब ताजा इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर एलओसी से हुई है, तो उसी मामले की जांच जो है एनआईए कर रही थी और बताया जा रहा है कि उसी की कड़ी को आगे जोड़ते हुए जम्मू संभाग के डिफरेंट एरियाज में छापेमारी एनआईए द्वारा की गई है और उसी का एक हिस्सा किश्तवाड़ का जो नागसिनी शिक्षा इलाका बताया जा रहा है वहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है। मैं बताते चलूंगी ये शिक्षा एरिया है या कहीं ना कहीं इसका ट्रैक रहा है, मिलिटेंट ट्रैक, पुराना ट्रैक है, करीब 3 दशकों से यहाँ पर इस ट्रैक का इस्तेमाल जो है आतंकवादी करते रहे हैं और रास्ते में कहीं ना कहीं उनके सहयोगी समर्थक मौजूद रहे हैं और उन्हीं में से कुछ OGW के घर में ये छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ रिकवरी है अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी इस तरह की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी कार्रवाई का हिस्सा जो है वो किश्तवाड़ में भी हो रहा है। विकास, डोडा भी आतंकवाद से दूर नहीं है, डोडा में भी काफी सारे इनकाउंटर्स हुए, काफी अटैक देखने को मिले, डोडा में किस तरीके की छापेमारी की जा रही है इस इन्फिल्ट्रेशन केस के हवाले से?
अर्बिंग एरिया रहा है और यहाँ पर काफी सारे इंकाउंटर जो है देखने को मिले थे, जिसमें 8 से ज्यादा इंकाउंटर डोडा के अंदर देखने को मिले थे। और ऐसे में जो भी लोग जो है OGW का काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों के घरों में NIE द्वारा आज जो है छापामारी की गई है। फिर एक बार तो जो पता चल रहा है कि भदवा का कुछ एरिया है या फिर भरत मंगला फुलहांड ऐसी जैसी जगहों पर आज छापामारी की गई है, क्योंकि ये लोग जो है लगातार अंतवादियों का साथ दे रहे हैं और इसी तरह से अंतवादी जो है लगातार डोडा के कई जगहों पर देखने को भी मिल रहे हैं इस मोमेंट। और ऐसे में SSP डोडा ने भी कहा था कि यहाँ पर अभी भी 2 से ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप है जो लगातार यहाँ पे एक्टिव है और ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसी किसी तरह का भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि पहले ज्यादा नुकसान देखने को मिल चुका है। और ऐसे में अगर जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो अगर इस तरह से इन लोगों का साथ देंगे कहीं ना कहीं उनको पकड़ा जा सके और जेल के इलाकों में भेजा जा सके और उनसे डाटा कलेक्ट किया जा सके ताकि आने वाले समय में उन अंतवादियों को मार गिराया जाए। अजय मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो एक्टिव टेररिस्ट है उनसे ज्यादा खतरनाक ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नेटवर्क जिस तरीके से जाल बिछाया गया है ग्राउंड पर वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार जो है वो सेना द्वारा किया जा रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेना कुछ हद तक जो है वो कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर्स के आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। हालांकि सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, 100% से ज्यादा काम करती नजर आ रही है हमारी सेना और अन्य सिक्योरिटी एजेंसी, लेकिन ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है ये कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर एक छोटी सी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आतंकवाद का जो नेटवर्क जम्मू कश्मीर में फैला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो OGW जो है ये कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड काम करते रहते हैं, इन तक पहुँचना एक बड़ी चुनौती रहती है। जहाँ रेगुलर फोर्सेज हमारी चाहे सेना की बात करें, SOG ग्रुप की बात करें या पुलिस है, वो एनकाउंटर्स में लगी रहती है, लेकिन जो खुफिया तंत्र सरकार का है वो इन OGW के पीछे भी पड़ा रहता है, क्योंकि जब एक इंसिडेंट होता है तो उसके ट्रैक करते हुए तार से तार जोड़े जाते हैं और कुछ नाम बाहर आते हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं होते और हिरासत में लेने के बावजूद उनको अदालत में कहीं ना कहीं वो बरी हो जाते हैं। लेकिन एजेंसी जो है चाहे सेना की बात करें या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। इस तंत्र को जोड़ना तोड़ना जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि एक आतंकवादी जब आता है उसको एक टास्क दिया जाता है, उसको करके या तो मारा जाता है या वापस भाग जाता है, लेकिन जो OGW है वो वहीं सोसाइटी का हिस्सा बन के चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। और जो आतंकवाद पहले कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो खत्म हो रहा था लेकिन अब फिर जिंदा हुआ है, तो उसने कहीं ना कहीं भूमिका इन लोकल मॉड्यूल्स की है जो पाकिस्तान से उनके तार जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आतंकवादी वहां से आते हैं उनको पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट उनके माध्यम से मिलती है। हालांकि अभी कुछ लोगों को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, लेकिन अब जो NIA की तरफ से दबिश दी जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि एक बड़े नेटवर्क का इसमें कहीं ना कहीं खुलासा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय किशोर और विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको NIA से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे थे, जहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है उसके द्वारा 5 अलग अलग जिलों में 8 अलग अलग ठिकानों पर जो लगातार छापेमार कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। अभी भी ये कार्रवाई जारी है, इस हवाले से आपको लगातार गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में अलग अलग जगहों पर लोगों की प्यास बुझाने के लिए भले ही हैंडपंप लगाए गए थे, लेकिन ये हैंडपंप पिछले कई समय से मात्र यहाँ पर टोपीज बनकर रह चुके हैं। इन सभी की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिनमें पानी ना आने से जागीर परेशान हो रहे हैं और उसी के साथ साथ जल शक्ति विभाग लंबी तानी सोया है। जम्मू के वार्ड नंबर 32 में भी कुछ समय पहले कई हैंडपंप लगाए गए थे, लेकिन अब इनका लाभ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। लोगों ने जल शक्ति विभाग से इनकी मरम्मत करवाने की मांग की है ताकि हर किसी को इसका फायदा मिल पाए। एक साल से हमारे तकरीबन वार्ड नंबर 32 में कम से कम कोई 12 या 13 जो नलके हैं वो बंद पड़े हैं, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक को सुविधा ना मिलेगी तो उनका क्या फायदा है, हमारा तो पैसा वेस्ट हो गया ना पब्लिक का, जो हम टैक्स दे रहे हैं, किसी का हैंडल नहीं है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, और स्कूल में नलके खराब हैं, गुरुद्वारा साहब के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे नलके खराब हैं, पार्कों में नलके खराब हैं, किसी का हैंडल नहीं है, किसी का चैन टूटा हुआ है, किसी की पाइपें फटी हुई हैं, इतनी ज्यादा बदतर हालत हुई है इन 5-6 सालों में। हम
गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कम से कम इनके ऊपर तवज्जो किया जाए और लोगों को अच्छी सुविधा मिले। काफी कंप्लेने की है तो ये मेटाडोर स्टैंड है यहाँ पे कम से कम मरम्मत होनी चाहिए। गर्मियों के दिनों में इतनी किल्लत होती है कि हम इतने परेशान हैं पानी से कि हमें कुछ बोल नहीं सकते। हम यही दरखास्त कर सकते हैं गवर्नमेंट से जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। 30% जो है हैंडपम्प बंद पड़े हैं, कुछ तो ऐसे हैंडपम्प है जो ट्रांसफार्मर के नीचे लगाए गए हैं, कुछ ऐसे हैंडपम्प है वो स्कूलों के पास है वहाँ पानी नहीं है। और ये बाद में 32 में जहाँ का बात करता हूँ कि काफी ये इतना गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, किस लिए पैसा लगाया है? लोगों के लिए सूरत के लिए ये। उसके ब्रश ये हो रहा है कि ये हैंडपम्प ऐसे पड़े हैं, ना कोई पानी रिपेयर होते हैं, ना ये चल रहे हैं, ना लोगों को सुविधा मिलेगा। ये लोगों का पैसा है, ये लोगों का पैसा ऐसे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं डिपार्टमेंट से ये आग्रह करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इन हैंडपम्प को ठीक कराए ताकि लोगों को सुविधा मिले। देखो ये डिपार्टमेंट का कसूर है, डिपार्टमेंट को चाहिए कि जितने भी हैंडपम्प डिफंक्ट पड़े हैं उनको रिपेयर कराए ताकि लोगों को सहूलत मिले पानी की। और ना पानी यहाँ बड़े इतनी दूर भी नहीं है, इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है इस पर, तो ये हैंडपम्प ऐसे डिफंक्ट पड़े हैं। मैं आग्रह करता हूँ डिपार्टमेंट। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पुलिस स्टेशन के साथ।